Hello friends, this is your host Rachid Bangal. I hope you all are fit and fine. And this is Manu Navan. आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये आज इंट्रो कार में की शूट कर रहे हैं, तो भाई आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम को 5 बजे हुई है। मानो डॉन पूरे दिन से घर में ही नहीं थी, तो मैं सोचा क्यों ना भाई मानो को लेने जाएंगे, तब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और मेरा भी थोड़ा रेस्ट करने का मन था, तो मैं रेस्ट कर रहा था। तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, मानो को लेके आया हूँ मैं उसके एक फ्रेंड के घर से। अरे वो मेरे को भी दिखा दे मोटू, सुंदर लग रही है, तो मैं खुद पे फोकस रखना पसंद करूंगी। तो भाई अब घर जाना था वैसे, पर एक काम करो मानू, इसमें तो क्यों कर रही है, मैंने खुद मैंने पहले भाई सच में भी चल चिली पटेटो खाते हैं, लेके चलते हैं। गाइस जीवन में ऐसी खुशी सबको मिले। कोई ना आ जाते रहते हैं, चिली पटेटो खाते हैं, हमें बहुत पसंद है भाई ये पर्टिकुलर ये वाले, क्योंकि ये ग्रेवी में बनाते हैं। ओ भाई मुझे भी दिखा दे, वो ग्रेवी में बनाते हैं चिली पटेटो। वैसे खाना नहीं चाहिए बाहर का, पर कभी कभी खा लेना चाहिए। गाइस आज काम वाली नहीं आई, मैं अपनी दोस्त के घर से जाके मेरे घर में पोछे मारूंगी। ये हमारा कारू व्लॉगिंग है, कारू व्लॉगिंग करते हैं। चलो ये हमने इन्वेंट किया कारू, कार नहीं कारू व्लॉगिंग। माल दिखा दे मानू माल। लो भाई मानू डॉन अपना खाना निकाल रही है। कैसा लगा मानू डॉन खाना? खोल तले इसने पहला है चुमेश्वरम सुंदर। खाना खोल के बैठी नहीं अब तक कोई चुमेश्वरम सुंदरम। वाह इसको काट दे, कौन से ये रखना है अपने। ए, देख के उड़ाएगा, मम्मी के मुंह पर पसीना आ रहा है इस वजह से आ रहा है क्योंकि गर्मी है, गर्मी का राज गर्मी है। पैकेट की आवाज आई थी, भाज के आई है। इसको लग रहा है इसकी ट्रीट है। मैं एक कुछ बात बता रहा था, गर्मी की वजह से पसीना है और पसीने की वजह से अशांति है, और अशांति को कम करने के लिए नींबू पानी है। कैसी लगी मेरी शायरी? वाह भाई वाह, आज टीम वर्क दिखेगा, टीम वर्क। कुछ नहीं, मक्खी मर गई, मच्छर मर गए, कीड़ी मर गई। आजा 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 आजा, आजा मच्छर मर गया, आजा। ये देखो, ये देखो हमारे नए डस्टिंग का कपड़ा, हमारे नए डस्टिंग का कपड़ा, पापा की बनियान, हमारा नया डस्टिंग का कपड़ा। पापा ने पहन रखी थी अपने पास। मानो तू फैशन डिजाइन में बन सकती है। मेरी मटकू देख यू देख, भाई साहब इसने तो ही सामने लाई हूं पर खाच की बाज लिया। और वो मॉडल देख ले, इसका तो ये कुछ ना कुछ नई चीज आए और इसको चेक करने ही करनी। पापा मेरी शर्ट है, मेरी शर्ट पे ट्राई करें, देख के आते कौन। कैसे लगा, कैसे लगा? वाओ, तू मानो एक काम कर सकती है, तो ट्रैफिक लाइट पे खड़ी हो सकते हैं, तेरा टर्नओवर बहुत बढ़िया होएगा। अभी मोमोज और आ रहे हैं, और ये चिली पटेटो है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, ये मतलब यही वाले पर्टिकुलर, क्योंकि ये थोड़ी ग्रेवी से है ना इसमें। और वो मान लिया ही अपने मोमोज। और मैं क्या दिखाना चाहता था आपको कि हमारे यहाँ सोफों से कितना अच्छा व्यू आता है, देखो पानी गिरने की आवाज और ये प्लांट्स। और हाँ इसके ऊपर अपडेट क्या है, अभी खाना खा लूँ, उसके बाद मैं और आदित्य जाएंगे थोर के लिए, उसका खाना चिकन भी लेके आना है, दूसरा काम है प्लांट्स मछलियों के लिए खाना लेके आना है, और तीसरा है कि अगर वहाँ प्लांट्स मिले भैया के पास तो प्लांट्स भी ले आएंगे। और जब तक मानू पीछे क्या करेगी, मैं कंटेंट बना पोछा मार के। मैं पोछा मारूंगा। और एक्चुअली हमने पंखा में तो कोई कामयाब नहीं है, या तो एसी चलाओ या कूलर चलाओ, तो इस टाइम कूलर चला लेते हम, इसलिए मैंने बंद कर रखा था, इसलिए हमारे पसीने आ रहे क्योंकि वीडियो शूट करने के। चलो हम खाते हैं। और कली कली शुरू कर गई बहन, मैं चीज। चल खाना खाते हैं। जितने पिछला धरती को बचाने के मिशन पे चलेगा, शाबाश। धरती बचानी है, जैसे हम पौधे लाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हम धरती बचाएंगे। ये हमारे घर ने पूरे परिवार ने सोच रखा है कि हम धरती बचाएंगे, आप देख सकते हो। लगा ही था मुझे। ये देखो हमारी मछलियाँ कूदती फिर रही है खुश हो गए, और मछलियों के लिए हम खाना बदले के आएंगे, तो वो भी धरती बचाने का काम है।
कैसे? फिर हमें 300 कम चढ़ने पड़ेंगे। हाँ, और धरती उस कैसे बचेगी? मछली खाना खाएगी, पोटी करेगी, पोटी प्लांट्स को खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, धरती बचगी। देख रहे साइंस तो पीछे, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ गई ना इसको। हाँ, तो इसलिए चलो चलते हैं, ज्यादा होने लग गई है। चलो पौधे अमोर लेके आएंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो धरती बचेगी। ठीक है, तो हमने नया दोस्त बनाया बकरा। हेलो ब्रो। हेलो भाई, आज इससे ऊपर दे आया थोर का खाना, और अब चलते हैं सीवल वाले भैया के पास। सीवल वाले भैया से पूछ लिया मेरा, देखो हेलमेट उलमेट सब गार्ड रखा है, सेफ्टी फर्स्ट। लो भैया के लड़के से मिलाते हैं, क्या नाम है आपका? रिदेश। भैया कह रहे थे ये सारे व्लॉग देखता है ये। लो अब आप व्लॉग में आ गए, ठीक है रिदेश, व्लॉग में आ गए। कौन सी क्लास में आप? फिफ्थ में। सेंट मैरीज में? मानो भी सेंट मैरी से पढ़ी है। मैं भी गया हूं, है? बता रही थी। बता रहे थे आपकी दीदी? आदित्य एक शरारती बंदा दिखाते हैं तेरे जैसा और मानू जैसा, और एक्चुअली मेरे जैसा भी। भाई ये छोटा सा बेबी फ्लावर नोन है, और इसका देखो आप ऊपर हेड कितना बढ़िया आ रहा है, कलर देखो कितना मस्त है। और देखे जंप भी करता है ये। मस्त है छोटा सा, बढ़िया मस्त खेलता है ये, ऐसे फ्रेंड रह सकता आपको। जैसे आपके मैं हमेशा कहता हूँ एक ये और एक ओस्कर, वो ना ऐसे ऐसे होता है कि एक गार्ड डॉग आपने पानी में रख रखा हो, ऐसा काम है इनका। ये तो और ये अकेला ही रहते हैं, नहीं लगी तो अकेला ही रहता है। ये ले इधर आ, इधर आ, इतने इधर आ। तो ये लो भैया ने पैक कर दिया पौधे हमारे। देखो ये मम्मी का जासूस बैठा है छोटा सा। मम्मी ये जासूस के बिठा रखे भाई यहाँ पे आपने, हैं? निगरानी रख रहे हैं ना कहीं कोई ऐसे पूरी जासूसी करते हैं। अच्छा, दोनों बाथरूम वाले दोनों वगैरह लेते पड़े हैं, जहाँ पर सामान होता जो सुख से रोड जा बैठे बटे। और थोरू एक नंबर है यार, कोई बात होती है तो थोरू को जाके बता के आती है भाई। आजा भाई, तो सबसे पहले एक बार मोस रख देते हैं, नहीं कदम मर जाए, बाद में पत्थरों पुथरों पे भी लगा देंगे, पर एक बार ना इसमें ही लग देता हूँ मैं, इसके ऊपर सही रहेगी। आज हम आपको दिखाते हैं हेला कैसे प्यार कराती है मुझसे, उसकी रूटीन है ये, रोज ऐसे मुझसे प्यार कराती है, मेरे प्यारा बच्चा छोटा सा, और ये करवाती भी मेरे से ही है ये वाला प्यार, ऐसे मसाज कराती है। देखो पूरा दिन में एक बार तो पक्का करती है, और ज्यादातर रात को ही कराती है, ऐसे बैठी रहती है। इसको मजा आ रहा था कि इसकी आंखें देखना, जब इसे पैर कर लेती है, छोटे से बच्चा, छोटे से पैर से बच्चा ये, उसकी नाक देखना यार, देखिए कितनी सी नाक है, मेरा नाखून बड़ा है यार इसकी नाक से। और पता क्या, इसका मुंह एक मिनट इसका मुंह एक तरफ और आंखें एक तरफ, आंख देख इतना सा मुंह, ये मुंह और इसकी नाक तो इतनी सी। आप एक तो यूट्यूबर अपना हाथ साइड में रखा करे, कुछ नहीं दिखा। ये देखो ये मुंह और नाक तो इसका इतना सा, और नाक से ऊपर का माथा इतना बड़ा। ये रहे, ये देखो गाइस, वो देखो गाइस, ये क्या है गाइस? ये मोस है, मतलब के पौधे का नाम है, मतलब जो है ये मोस ओस जैसी जो साउंड करते हैं, ये मम्मी ने ओस ही कहा था इसको। और देखो नया पौधा लगने लग रहा है, आपने ध्यान दिया हो तो एक मिनट सीधा करो मैडम, ये देखो ये वाला जो कैसे इगुआना की तरह चिपकी हुई है, देखिए देखिए देखिए, ये वहां से देख रहा हूं कैसे चिपकी इगुआना है। ये देखो आप दिखाता हूँ मैं, एक ये दिख रहे हो, ये घे लगाया नया, ये भी नया लगाया, और वो पीछे थोड़ी सी पीछे ये भी मोस नहीं लगी है, ये नया लगा है, ये वाले तो दिख ही रहे आपको रेड कलर के, इनको थोड़ा यूं लगा दिया कि ये यूं ऊपर सी तरफ वेव में जा रहे हैं, ये यहाँ लगा दिया था कि थोड़ी जगह भर जाए। एक ये भी लगा है कुछ पता नहीं, पौधे का नाम ही नहीं पता मेरे को, नीचे वाले तो। अच्छा ये मोस मैंने इसमें भरमार कर दी है, क्योंकि वो वहां चल सकते हो, मानू इसमें नहीं लेके जाना बेचारी को, इनका खाना भी आ गया, ये डालता हूँ अभी खाना इनको,
और ये थोड़ी बहुत मोज इसमें तैरने के लिए छोड़ रखी है।